नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। तो आइए रुक करते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। न्यू कांगड़ा स्कूल के पास युवक से पकड़ा 5.95 ग्राम चिट्टा, बनखड़ी का रहने वाला था आरोपी। प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली से लौटे सीएम सुक्खू, आज ओके ओवर में दिखेगी सियासी गतिविधियां। नहीं भरे जाएंगे 1500 रुपए के फॉर्म, चुनाव आयोग ने मांगा सुख सम्मान निधि योजना का सारा डाटा। पोलिंग पार्टी 700 मीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेगी, यहां चुनाव अधिकारियों को पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था। 10 जिलों में तूफान और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, 24 मार्च तक एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मंडी पठानकोट एनएच पर चलती कार में भड़की आग, चंद मिनटों में राख, जयपुर से हिमाचल घूमने आए थे पर्यटक। कांग्रेस के आयोग घोषित विधायकों के भाजपा में जाने पर कानूनी पेच। पहाड़ी के नीचे जमा पानी लाया था शिमला, शिव पावड़ी में तबाही, 20 लोगों की गई थी जान। अब खबरें विस्तार से। न्यू कांगड़ा स्कूल के पास युवक से पकड़ा 5.95 ग्राम चिट्टा, बनखड़ी का रहने वाला था आरोपी। पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 5.95 ग्राम चिट्टा रखने के मामले में 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। व्यक्ति पर एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आज उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि कांगड़ा पुलिस ने न्यू कांगड़ा स्कूल के पास एक युवक से 5.95 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। युवक की पहचान नवरीत के रूप में हुई है, जो बनखड़ी का रहने वाला है। कांगड़ा पुलिस लगातार तस्करों और बड़े नामों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बच्चों के माता पिता से भी अपील की जा रही है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दें। अपने बच्चों के रवैये में किसी भी व्यवहारिक बदलाव को माता पिता द्वारा गंभीरता से लिया जाए। प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली से लौटे सीएम सुक्खू, आज ओके ओवर में दिखेगी सियासी गतिविधियां। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए मुंबई गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली की बैठकों के बाद शिमला लौट आए हैं। बुधवार को उनकी वापसी प्रियंका गांधी के साथ ही हुई। प्रियंका गांधी का शिमला के मशोबरा में घर है और वह कुछ वक्त अपने घर में बिताएंगी। इस दौरान हिमाचल सरकार को लेकर चल रही गतिविधियों की रिपोर्ट भी प्रियंका गांधी ले सकती हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे, जिनसे चुनाव घोषणा पत्र को फाइनल करना है। नहीं भरे जाएंगे 1500 रुपए के फॉर्म, चुनाव आयोग ने मांगा सुख सम्मान निधि योजना का सारा डाटा। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता के दौर में चुनिंदा पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की स्कीम नहीं भरवाई जा सकेंगे। भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इस बारे में राज्य सरकार को पत्र भेजा है। इस पत्र के निर्देशों से ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता जब तक है तब तक नए फॉर्म नहीं लिए जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने संबंधित विभाग से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का सारा डाटा मांगा है। इसमें कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाने से पहले और बाद में कितने फॉर्म रिसीव हुए थे और कितने मंजूर किए गए हैं गए तथा कितने पेंडिंग बचे हैं। पोलिंग पार्टी 700 मीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेगी, यहां चुनाव अधिकारियों को पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बिलासपुर जिला में किसी भी पोलिंग पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 700 मीटर तक ही पैदल चलना पड़ेगा। यह अधिकतम दूरी बिलासपुर सदर के धाड़त पोलिंग बूथ की है। अधिकतम पैदल यात्रा के लिहाज से झड़ूता उपमंडल का बुखर घुमरावी का रोपा और नैना देवी का भुवाई पोलिंग बूथ है। इन तक पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को क्रमानुसार 300, 430 और 410 मीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। दरअसल पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टियों को कई दुर्गम बूथों तक पहुंचने के लिए लंबा फासला तय करना पड़ता है, लेकिन बिलासपुर जिला में ऐसा नहीं है। यहाँ पोलिंग पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 700 मीटर तक ही पैदल चलना पड़ेगा। 10 जिलों में ओलावृष्टि और तूफान से येलो अलर्ट, 24 मार्च तक एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हिमाचल प्रदेश में आज 21 मार्च से अगले 4 दिन तक बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 96 घंटे तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD एक्टिव रहेगा।
पहाड़ों पर, इससे बारिश के साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है। मंडी पठानकोट एनएच पर चलती कार में भड़की आग, चंद मिनटों में राख। जयपुर से हिमाचल घूमने आए थे पर्यटक। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पे पधर के कोटरोपी स्थित सदवाड़ी मोड़ पर मोड़ के पास चलती कार में अचानक आग भड़क गई। कार में सवार पर्यटक राजस्थान से जयपुर से हिमाचल घूमने आए थे, जो धर्मशाला से वापस कुल्लू मनाली जा रहे थे। अचानक ही कार में आग भड़क उठी। कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायकों के भाजपा में जाने पर कानूनी पेच। कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायकों के भाजपा ज्वाइन करने में अभी कानूनी पेच है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर भी नई दिल्ली में इस पर गहन चर्चा हुई है। ऐसे में इन बागियों की ज्वाइनिंग की जल्दबाजी में अभी वैधानिक जोखिम है। इन 6 बागियों को पहले अपनी याचिका वापस लेनी होगी, उसके बाद ही ये भाजपा में जा पाएंगे। संविधान और कानून के विशेषज्ञ कह रहे हैं, कानून जटिलताएं ना रहने पर भी यह 6 भाजपा में जा सकते हैं। पहाड़ी के नीचे जमा पानी लाया शिमला, शिवबाड़ी में तबाही, 20 लोगों की गई थी जान। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समरहिल और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद रुड़की के वैज्ञानिकों ने भूस्खलन की यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह सेंटल एक से इन घटना की जांच करवाई है। इसमें शिवबाड़ी मंदिर में हुई त्रासदी का मुख्य कारण बादल फटना नहीं बताया है। जांच में पता चला है कि समरहिल में पहाड़ के नीचे भूजल का संग्रह था, जिससे शिवबाड़ी में पानी आता था। काफी समय से हो रही बारिश में यह पानी बढ़ा, जिससे पहाड़ी में दबाव बढ़ गया था। तो ये थी हिमाचल की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।